घर में फटाफट से टेस्टफुल किस तरीके से चपले कबाब तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। चपली कबाब मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किए जाते हैं। कमर्शियल लेवल पे किस तरीके से तैयार किए जाते हैं उसकी रेसिपी पहले मैंने आप लोगों से शेयर की। अब मुझे कॉल्स आई हुई थी मेरी बहनों की, मेरी माओ की, बच्चियों की, कि आप हमें घर में फटाफट से टेस्टफुल किस तरीके से चपली कबाब तैयार कर सकते हैं उसकी रेसिपी बताएं। मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, टेस्टफुल बनेंगे, खुशबूदार बनेंगे, तवज्जो से देखिएगा। चपली कबाब तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने प्याज ले लिया, एक छोटे साइज का और आधा, ये अगर आप देखें तो दरमियाने साइज का एक प्याज ले लें और इसको चॉप कर लें। चॉप करने के बाद हम इसको, इसका जो पानी है उसको निचोड़ के रिमूव कर देंगे। हमें ड्राई ड्राई प्याज चाहिए, ठीक हो गया। इस तरीके से काट लें, इसको चॉपर में डाल दें, इसको बारीक चॉप कर लें। प्याज को हमने चॉप कर लिया, अब हम इसको निचोड़ के अच्छे तरीके से इसका पानी रिमूव कर देंगे। प्याज चॉप करके पानी निचोड़ लिया अच्छे तरीके से। हमारे पास ये 5 अदद सब्ज मिर्चें हैं जो कड़वी कम होती हैं, ये शामिल कर दें चॉपर में। सब्ज धनिया थोड़ा सा ये शामिल कर दें, 2 टेबलस्पून जितना। इसको हम अच्छे तरीके से बारीक चॉप कर लेते हैं। सब्ज मिर्चें हमने चॉप की, धनिया चॉप किया, ये हमारे पास कीमा था, इसको हमने एक दफा मशीन से निकाला हुआ था, बीफ का कीमा, ठीक हो गया। 500 ग्राम आधा किलो कीमा था, 50 ग्राम चर्बी थी, हमने एक दफा उसको मशीन से निकलवा लिया। इस तरीके से आप चॉपर में शामिल कर देंगे। चॉपर में शामिल करके इसको हम चॉप कर लेंगे 2 मिनट। चॉप कर लिया, इसके अंदर फटाफट से जो चॉप की हुई प्याज थी और पानी को हमने रिमूव कर दिया था ये शामिल कर दें। 1 मिनट मजीद चॉप कर लें। सब कुछ चॉप कर लिया अच्छे तरीके से हमने, इस बॉल में वापस निकालने लगे इसको और यहाँ से चॉपर वगैरह हटा दें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अजवैन, 1/2 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। ये हमारे पास अनारदाना है, इसको हम इसमें कूट लेंगे इमाम दस्ते में 1 टेबलस्पून भर के और इसको अच्छे तरीके से बारीक कूट लेंगे। अनारदाना कूटने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे। अनारदाना बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है चपली कबाब में, ये लाजमी जाएगा इस तरीके से। साथ में इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे मकई का आटा है 4 टेबलस्पून। कुछ लोग इसके अंदर घर वाला आटा डालते हैं, कुछ इलाकों में फाइन आटे का यूज किया जाता है, आपका जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं चपली कबाब में, ये डलता है, ठीक हो गया। 4 टेबलस्पून मकई का आटा शामिल कर दें। 1 टमाटर है, इसके बीज रिमूव कर देंगे। बीज रिमूव करके बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। एक टमाटर चॉप कर लिया, इसको साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, इनको यहाँ बॉल में तोड़ लेंगे इस तरीके से। ये मेरे पास यहाँ पे पैन है, फ्लेम ऑन कर देंगे फटाफट, कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून, गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अंडों को फेंट लें अच्छे तरीके से। फेंटने के बाद ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर डाल दें इस तरीके से, तो इस तरीके से फैला दें। इस तरीके से ये तैयार हो चुका है, इसको चेंज कर दें इस तरीके से। इस साइड को भी कुक कर लें, दूसरी साइड को भी इस तरीके से टुकड़े कर दें।
बस इतना ही कुक करना है, फ्लेम को बंद कर दें, चूल्हा वापस अपनी जगह पे ले आए, इसको यहाँ प्लेट में निकाल लें, ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अंडा ठंडा हो चुका है, ठंडा करके डालना है। टेस्टफुल चपले कबाब तैयार होंगे, इस तरीके से शामिल कर दें और 5 मिनट अच्छे तरीके से इसको मसल मसल के आपस में इस तरीके से इसको मसल लें, इस तरीके से, ठीक हो गया, अच्छे तरीके से, ताकि हर चीज यकजान हो जाए। ये ले जी, 5 मिनट तक अच्छे तरीके से हमने इसको इस तरीके से मसल लिया। 5 मिनट के बाद अब हम इसको फ्रिज में छोड़ने लगे हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया। जो कमर्शियल लेवल पे चपले कबाब तैयार होते हैं वो चर्बी में तैयार करते हैं। अगर आपके पास चर्बी है, अवेलेबल है, तो आप चर्बी में इसको फ्राई कर सकते हैं, हम ऑयल में करेंगे। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने ठंडा पानी ले लिया, घरेलू खवातीन के लिए मुफीद टोटके देने लगा हूँ। जिस साइज का आप चपले कबाब पसंद करते हैं उठा लें, पानी थोड़ा सा लगा लें, ठंडा चिल पानी इस तरीके से उठा लें। यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट मौजूद है, इस प्लेट में इसको इस तरीके से गोला सा बना के यहाँ पे इसको इस तरीके से फैला लें, इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको फैला लेना है यहाँ पे, प्लेट में कोई मसला नहीं है। ये देखें, छोटा या बड़ा साइज आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरा उठा लें इस तरीके से, पानी लगाते रहें हाथों को। पानी लगाते रहें यहाँ पे, लें प्लेट में इस तरीके से हाथ की मदद से इसको फैला लें। इसकी शेप जरूरी नहीं है कि चपले कबाब की गोल ही होती है, जिस मर्जी शेप का आप बना सकते हैं इसको। कुछ इलाकों में लंबाई में बनाए जाते हैं, कुछ इलाकों में गोलाई में बनाए जाते हैं। इनका जो फ्राई टाइम है मीडियम फ्लेम रहेगा और तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, ठीक हो गया, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं होंगे। 1 मिनट के बाद इस तरीके से चम्मच उल्टी साइड पर रख के आपने इनके ऊपर ऑयल डालना है इस तरीके से, ताकि ऊपर से भी ये जान में आते रहें। दाल पैन में डालने के बाद फौरन आपने इनकी साइड नहीं पलटने, इनको छेड़ना नहीं है, इनको कुक होने देना है, ठीक हो गया। इस तरीके से ऑयल डालते रहें ऊपर। इस टाइम पे आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साइड को चेंज कर दें, सुभानअल्लाह, इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से इस साइड से भी कुक कर लें। हर 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे, इनके ऊपर कलर भी आता जाएगा और ये जान में भी आते जाएंगे। 8 मिनट टोटल हमने इनको फ्राई करना है, ठीक हो गया। एक प्लेट रख लेंगे यहाँ पे इसके इस तरह टिश्यू रख लेंगे उसके ऊपर। इनको 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह, हैं, यहाँ पे ले आएंगे इस तरीके से, इसको भी उठाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे ले आएंगे, मिश्रा डालेंगे इस तरीके से, ये तमाम मैं इसी तरीके से बना लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये भी तैयार हो चुके हैं, इनको इस तरीके से निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है चप्पल कबाब की, इस तरीके से, हैं जी, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ऐसे रख देंगे। दूसरा तैयार है हमारे पास, इसको इस तरीके से उठाएंगे, यहाँ डाल देंगे, दूसरा कबाब तैयार करेंगे इस तरीके से। पानी ठंडा लगाते रहें हाथों पे, ठीक हो गया, खवातीन खास करके, क्योंकि वहाँ पे जो कमर्शियल लेवल पे तैयार हो रहे होते हैं वो तवे के ऊपर इसको बड़ा कर लेते हैं। हमारे पास तवा नहीं है, हम पैन में बनाना सिखा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लेट के ऊपर इस तरीके से फैला रहे हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने ये और चप्पल कबाब डाल दिया, साथ में हमारे पास सब्ज़ मिर्चे हैं बड़े वाले, सेंटर में से 2-2 पीस कर लिए, शामिल करते हैं, साथ ये भी फ्राई करनी है हमें, ठीक हो गया। सब्ज़ मिर्चे फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पे निकालने लगे हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत टेस्टफुल लगती हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम साइज़ को छोटा कर रहे हैं। आप छोटे साइज़ के बना सकते हैं, अगर आप बड़े साइज़ का बनाएंगे तो प्लेट का यूज़ करेंगे, छोटे साइज़ का बनाएंगे तो हाथ पे ही बन जाएंगे इस तरीके से। ये देखें, मैं आपको छोटा बना के दिखा रहा हूँ, आप साइज़ छोटा या बड़ा चप्पल कबाब का कर सकते हैं। ठंडा पानी लगाते रहें इस तरीके से, इस तरीके से गोला सा तैयार कर लें, यहीं हाथों में प्रेस कर दें इसको इस तरीके से, ठीक हो गया, और यहाँ पर डाल देंगे। छोटे साइज़ के बन रहे हैं, आप साइज़ छोटे, लेकिन चप्पल कबाब बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने इनका नाम जो चप्पल कबाब हुआ गल समझ आई, तो ये इसीलिए हमने इसको बड़े साइज़ का बनाया। अगर आप छोटे साइज के पसंद करते हैं तो छोटे साइज का बना लें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से छोटे साइज के बना दिए हमने,
ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको निकालने लगे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत कमाल का। ये देखिए, ले लेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे, ये चप्पल कबाब भी निकाल लेंगे जो छोटे साइज के हमने बनाए इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, चप्पल कबाब तैयार हो चुके हैं, बहुत कमाल के लुक बने हैं। छोटे साइज़ के भी बना के बता दिए, बड़े साइज़ के भी बना के बता दिए। ये बड़े साइज़ के, ये छोटे साइज़ के। अब ये जूसी कितने हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। रायते के साथ ये सर्व किए जाएंगे इस तरीके से। आप इनको सर्व करें मेहमानों को, अपनी फैमिली को। बिल्कुल कमाल के जूसी हैं, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी ये रेसिपी चप्पल कबाब की अच्छी लगी हो, जो हमने पैन में बनाने का तरीका बताया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।